हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये सरसों की फसल है, ये तकरीबन आज 1 महीने की हो गई है। वैरायटी है सरसों सोनी धरती हाइब्रिड कनोला, ये तकरीबन आज 1 मंथ की हो गई है। इसकी ज़मीन की तैयारी और बेजल में क्या खाद दी थी वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब ये तकरीबन 1 मंथ की है, फूल निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पौधे जो हैं वो छोटे हैं। तो जब इसके सारे पौधे ग्रोन हो जाएंगे और इस तरह की शाख निकाल लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको सिर्फ़ एक हल्का सा पानी देंगे और उसके साथ हाफ यूरिया दे देंगे। सरसों की फसल को इतना ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये बरानी इलाकों की फसल है। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा, हर किसान का एक अपना टैक्ट होता है फसल के साथ डील करने का। हम इसको हाफ यूरिया देते हैं और एक हल्का सा पानी लगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सरसों की फसल है वो तकरीबन हमारे एरिया में बहुत अच्छी रहती है। अभी आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि इसकी गैप्स हैं, तो सरसों की फसल के जो पौधे हैं जितने ज़्यादा दूर होंगे, जितना उनमें गैप होगा या जितने उसमें विरल होगी ना, उतना वो पौधा ज़्यादा भारी बनेगा। और भारी पौधा बनने से उसका झाड़ ज़्यादा होगा, उसमें फलियां ज़्यादा लगेंगी और उसका जो यील्ड है वो ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह। और आप भी जो लोग इस चैनल पे को देखते रहते हैं वो भी इस फसल के मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें, कोई सजेशन हो तो ज़रूर काइंडली दिया करें। और अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि इसको एक पानी और हाफ यूरिया देनी चाहिए, तो ज़रूर अपना यस का कमेंट करें। एंड काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।